तुम्हें सीखना है कि वैलोरेंट में इम्प्रूव कैसे करें, है ना। तो तुमने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, बिकॉज आज मैं तुम्हें ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि तुम्हें वैलोरेंट में श्योरली इम्प्रूव करेंगे। एंड बाय द वे, मेरी वॉइस कैसे आ रही है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड लेट्स जस्ट गेट इन दिस वीडियो। ओके, सो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें से पहला आता है एक्सटर्नल एम ट्रेनर्स। सो एक्सटर्नल एम ट्रेनर्स बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि तुम्हारा एम अच्छा करने के लिए बनाए जाते हैं, और इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे लाइक कोवैक हो गया, एम लैब हो गया, ओसीओ हो गया, ये सारे तुम्हारे एम अच्छा करने के लिए बनाए जाते हैं। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एम लैब बिकॉज उसके मेरे को फीचर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड अगर तुम्हारा एम लैब में ग्रिड शॉट में 60K से ऊपर अगर तुम्हारा स्कोर आता है, मीन्स कि तुम्हारा एम ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो और उसके तुम्हें एम लैब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस तब तक एम लैब करो जब तक तुम्हारा 60K से ऊपर स्कोर नहीं हो जाता ग्रिड शॉट में। सो आफ्टर एम लैब आता है दो मेन टॉपिक्स, पहला है कॉर्सर प्लेसमेंट और दूसरा है प्री एमिंग। ये दोनों बेसिकली सिमिलर ही है, बट स्टिल थोड़ा सा डिफरेंस है। सो अगर तुमने ये दोनों चीज़ सीख लिया तो तुम ऑलरेडी 50% चीज़ें सीख चुके होंगे वैलोरेंट में इम्प्रूव करने के लिए। ओके, सो पहला आता है कॉर्सर प्लेसमेंट। कॉर्सर प्लेसमेंट में बेसिकली तुम्हें अपने कॉर्सर को एनिमी के हेड पे रखना पड़ता है, और हेड से मेरा मतलब है कि तुम्हें हेड पे रखना पड़ता है उसके अपने कॉर्सर के लेवल को। और प्री एम में क्या होता है कि तुम्हें वहाँ पे एम रखना पड़ता है जहाँ पर एनिमी आने के चांसेस होते हैं। सो दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है, बट स्टिल थोड़ा सा सेम ही है। एंड अगर तुम्हें कॉर्सर प्लेसमेंट में इम्प्रूव करना है तो मैं बताता हूँ कि क्या करो। जो प्री राउंड होता है ना, जिसमें तुम गन्स खरीदते हो, वहाँ पर तुम लोगों को खाली अपने ही टीममेट के हेड पे एम रखना है। सो इससे एक तरह से तुम्हें आदत सी बना लेनी है कि हमेशा हेड पे एम रखे। और प्री एम में तुम्हें हर एक जगह याद करना है जहाँ पे एनिमी हो सकते हैं, और वहाँ पर पहले से ही एम करना है। सो प्री एम को अगर तुम्हें सीखना है तो बेसिकली बस मैप खोलो, और जहाँ पे एनिमी हो सकते हैं वहाँ पर तुम पिंग कर दो, और बस उसी के साथ पिंग करो और उधर ही देखते रहो। सो ये भी एक तरह से ऐसे ही हेल्प करेगा तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए। अब आने वाली जो क्लिप होगी उसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कॉर्सर प्लेसमेंट और प्री एम को लगाते ही कितना अच्छा तुम्हें इम्प्रूवमेंट दिखता है। सो तुम्हें ऑलरेडी लग रहा होगा कि यार क्या प्रो वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज प्रोज लोग जब भी कॉर्नर्स चेक करते हैं या फिर पुश करते हैं तो ऐसे ही अच्छे से देख के करते हैं और हर एक एंगल चेक करते हैं। अब कॉर्सर प्लेसमेंट की बात होगी तो हम कॉर्सर की भी बात कर लेते हैं। सो यार देखा जाए तो कॉर्सर तो बहुत टाइप का होता है, और उसमें हो सकता है जो मेरे को पसंद आए वो तुम्हें ना पसंद आए। सो इसके लिए उसको हम एक अलग वीडियो पे रखेंगे, बट अभी हम लोग बात करते हैं मेनली दो टाइप के कॉर्सर के बारे में। सो यहाँ पर मेनली दो टाइप का कॉर्सर आता है, जिसमें से पहला होता है अराउंड द हेड। इसमें ये होता है कि जो तुम्हारा कॉर्सर की जो लाइंस होती है वो तुम्हें एनिमी के हेड के अराउंड रखना होता है। और वहीं दूसरा जो कॉर्सर जो कि मैं यूज़ करता हूँ उसे बोलते हैं ओवर द हेड कॉर्सर। सो ओवर द हेड में ये होता है कि जो एनिमी का हेड है उसके ऊपर तुम्हें अपना कॉर्सर रखना पड़ता है। यहाँ पर ध्यान से अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। पहले कॉर्सर में तुम्हें एनिमी के अराउंड रखना पड़ता है, और वहीं दूसरा जो मैं यूज़ करता हूँ उसे तुम्हें एनिमी के ऊपर रखना होता है। सो तुम स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि मैं तुम्हें दोनों टाइप के कॉर्सर की सेटिंग बता रहा हूँ। सो इन दोनों को एक बार यूज़ करना, और शायद से तुम्हें दोनों में से कोई एक काफ़ी पसंद आ जाए और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिले। सो यही था कॉर्सर के लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग सेंसिटिविटी के ऊपर। सो एक अच्छी सेंसिटिविटी ढूंढना आई नो बहुत मुश्किल होता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए, और एक बार तुम्हें अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी मिल गई तो तुम्हारा गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एंड इसी को ढूंढने के लिए मैं तुम्हें एक वीडियो बताता हूँ जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी हेल्प किया था, और हो सकता है तुम्हें भी हेल्प कर दे। सो इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके देख लेना। एंड ये सेंसिटिविटी एक तरह का काफ़ी बड़ा टॉपिक है, सो इसके ऊपर भी मेरे को एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी। सो उसके लिए तुम लोग थोड़ा सा वेट कर लेना। बाकी सेंसिटिविटी से रिलेटेड तुम्हें सारी चीज़ उस वीडियो में मिल जाएगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि तुम्हें स्प्रे के टाइम क्राउच करना चाहिए कि नहीं। अब यहाँ पर मेरा आंसर है कि ये डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम लो ईलो में हो तो वहाँ पर क्या होता है कि जो नूब्स होते हैं वो सिंपली तुम्हारे बॉडी पे एम करते हैं, और अगर तुम उस टाइम पे मान लो क्राउच करोगे तो एक तरह से तुम्हारे हेड पे ही एनिमी एम करने लग जाएगा। एक तरह से ऐसे ही काम करेगा, जैसे तुम इस क्लिप में देख सकते हो कि एनिमी के झुकते ही कैसा तुम्हें सीधा उसके हेड पे एम कर रहे हो जबकि तुम उसके बॉडी पे कर रहे होते हो। वहीं हाई लेवल में क्या होता है कि हर कोई तुम्हारे हेड पे एम करता है, और अगर तुम उस टाइम पे क्राउच करोगे तो वो तुम्हारे लिए उल्टा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एक बार जब रिकॉइल आता है तो एनिमी का एम और ऊपर जाने के चांसेस होता है नीचे से। सो एक तरह से तुम्हारे पास एडवांटेज होता है उस टाइम पे अगर तुम क्राउच करोगे तो।
सो अगर तुम गोल्ड के नीचे हो तो तुम्हें क्राउच करने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और जब गोल्ड के ऊपर पहुंचोगे तब फिर क्राउच करना शुरू करना। अब यहाँ पर जिन लोगों को क्राउच की आदत हटानी है तो उसके लिए तुम सिंपली जो क्राउच करते हो तुम्हारा बाइंड होता है वो ऑफ कर दो, और या फिर कहीं कीबोर्ड में दूर लगा दो जहाँ तुम्हारा उंगली नहीं पहुँचे। सो ये एक बहुत ईजी तरीका होगा इस क्राउच की आदत को छोड़ने का। बस मेरे को 10 सेकंड्स चाहिए बोलने के लिए कि यार अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज इससे क्या होगा कि इस वीडियो को दूसरे लोगों तक रिकमेंड जाएगा और वो लोग सीखेंगे, और मान लो कि वही तुम्हारे मैच में आए तो बेसिकली तुम्हारे ही हेल्प करेगा वो। सो या लाइक ज़रूर कर देना एंड लेट्स जस्ट कंटिन्यू। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम लो इलो से निकलो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जिसमें से पहला मैं सबसे ज़रूरी चीज़ बोलता हूँ और सबसे ज़्यादा लोग हमेशा करते हैं, मैं हमेशा नोटिस करता हूँ लो इलो में, ये है कि जब भी तुम एनिमी को शूट करते हो तो हमेशा लोग रिलोड करना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ होती है। तुम जब भी एनिमी को शूट करते हो रिलोड मत करो यार, ये बहुत ही ख़राब आदत है। और दूसरी चीज़, जब भी तुम शूट करते हो मतलब एक तरह से स्प्रे कर रहे होते हो तो ज़्यादातर लोग क्राउच मूव करते हैं या फिर ज़्यादातर लोग मूव ही करने लग जाते हैं एक सेफ्टी जगह पे ताकि तुम रिलोड कर सको, ये भी बहुत ख़राब आदत है। फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पर क्लिप में देख सकते हो कि कैसे बंदा साइड हो रहा होता है ताकि ये रिलोड कर सके, या फिर ऐसी ही चीज़ें होती है, ज़्यादातर लोग हिलने की कोशिश करते हैं ताकि बच सके, जबकि वो उनकी एक्यूरेसी को और ख़राब कर देता है मतलब हिलना। सो जब भी शूट करो तो खड़े होकर करो एंड रिलोड कम से कम करो। नेक्स्ट थिंग आती है जो कि नूब्स करते हैं, वो ये है कि वो लोग स्कोप इन करके शूट करते हैं, जो कि एकदम गलत चीज़ है, क्योंकि स्कोप इन करके शूट होने से क्या होता है कि तुम्हारा फायरिंग रेट बहुत कम हो जाता है। अब माना कि स्कोप इन करने के बाद तुम्हारा रिकॉइल इजी होता है कंट्रोल करना, बट दैट डजंट मीन कि तुम हमेशा स्कोप इन करके ही शूट करो। जैसे कि अभी मैंने बताया फायरिंग रेट कम होता है तो तुम मत करो। हाँ, तुम लॉन्ग रेंज में भले इसको यूज कर सकते हो क्योंकि वहां पर वो सच में बेनिफिशियल होता है, बट शॉर्ट रेंज में कभी भी स्कोप इन करके नहीं खेलना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम लोग कैंपर से कैसे बचो, क्योंकि यहाँ पर लो रैंक पे जाते हैं तुम्हें कैंपर्स ही मिलते हैं जो कि शॉटगन लेके खाली एक सेट पे बैठ जाते हैं कोने में। सो इनसे बचने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्री फायर सीखना है। अब प्री फायर क्या होता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सो प्री फायर में बेसिकली जहाँ पर भी कॉर्नर में एनिमी छुपे हुए होते हैं तुम्हें वहाँ पर पहले से ही एम करके रखना है, एंड देन जैसे तुम पिक करने जाओगे तो तुम्हें तभी शूट करना है। इससे क्या होगा कि एनिमी को रिएक्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और तुम उसको मार भी दोगे। एंड ध्यान रखना कि अपने कॉर्सर प्लेसमेंट को सही से मेंटेन रखना, मींस कि एनिमी के तुम अपने हेड पे रखना सो दैट वो जल्दी मर जाए और तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो। एंड दूसरा इसका फायदा ये होता है कि तुम्हें ज्यादातर उसकी इन्फो पता चल जाती है कि एनिमी यहाँ पर छुपा हुआ है कि नहीं, तो हमेशा तुम लोग कॉर्नर्स चेक कर लेना ताकि एनिमी पीछे से तुम्हें नाइफ ना कर दे। एक यहाँ पर बड़ी सी टिप देता हूँ कि जब भी तुम लोग बाय करने जाओ तो सबसे पहले तुम्हें शील्ड बाय करना है, एंड अगर तुम्हारे इको राउंड है तुम शील्ड नहीं खरीद सकते तो एबिलिटीज मत खरीदो, पहले तुम गन खरीदो। हमेशा ध्यान रखो कि गन कम्स फर्स्ट, तो हर बार जब भी तुम कुछ भी मतलब बाय भी कर रहे हो अगर तुम्हारे पास सारे पैसे नहीं है तो सबसे पहले शील्ड बाय करो, देन गन बाय करो, एंड देन तुम पावर्स या फिर एबिलिटीज यूज करो। क्योंकि वैलोरेंट जैसे गेम्स में भले ही माना एबिलिटी काफ़ी डैमेज करता है, बट दैट डजंट मीन कि तुम सबसे पहले एबिलिटी खरीदो या फिर एबिलिटी पे ही डिपेंड रहो। अब यहाँ पर मेरे को एक बंदे ने कमेंट करके बोला कि हेड पे एम कैसे करें, मतलब यहाँ पर तुम्हें सीखना है कि तुम हेड पे कैसे एम करो या फिर उसे वन टैप कैसे करो। सो उसके लिए मैं तुम्हें सिर्फ एक ही टिप दे सकता हूँ, क्योंकि बाकी तो तुम्हें कॉर्सल प्लेसमेंट ही रखना है उसके हेड पे, तभी तुम मार पाओगे। बाकी जो मेरे को एक एफिशिएंट चीज़ लगी जो कि ये है कि तुम्हें अपने कॉर्सल को एकदम छोटा सा कर लेना है, सिंपल डॉट कॉर्सल, क्योंकि इससे तुम्हें फील भी देता है कि ये सिर्फ हेड के लिए बना है। मतलब मेरे लिए तो ये यही हेल्प किया था, अगर मैं वन टैप जब भी करता हूँ तो हमेशा अपने कॉर्सर को मतलब छोटा कर लो। बट ऐसे देखा जाए तो वन टैप उतना भी यूज़फुल नहीं होता अनलेस तुम इसे रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर तुम्हें स्टाइल मारना है या ऐसा कुछ भी। ज़्यादा टाइम कोशिश करना कि तुम ब्रस्ट करो या फिर स्प्रे करो वन टैप से ज़्यादा। आई थिंक मैंने हर चीज़ इस वीडियो में कवर कर ली है। सो या यही था इस वीडियो के लिए, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड। एंड यार इस वीडियो को अपने एक ना एक डिस्कॉर्ड फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना, बिकॉज इससे क्या होगा कि उसी को वो हेल्प मिलेगी एंड देन तुम सब एक साथ आगे निकलोगे। सो या जो भी फ्रेंड्स है तुम्हारे शेयर कर देना, और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए सो दैट मैं उस पर बना सकूँ। सो टिल देन स्टे सेफ।